हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, ओनली टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, ओनली टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर टोटल मोमेंटम इज रिमेन कंजर्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब कॉलिजन होता है आइडियल गैस की एक वॉल के अंदर, कंटेनर के अंदर वॉल के साथ, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है उसके अंदर कौन कंजर्व रहता है, वही पूछा है। उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, इधर की कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन, एक अजम्पशन के हिसाब से जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन बिटवीन वॉल एंड मॉलिक्यूल, इट परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, तो हमको पता है परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में दो चीज कंजर्व रहता है, एक तो टोटल मोमेंटम जो कि हर कलिजन में कंजर्व रहता है टोटल मोमेंटम, और दूसरी जो परफेक्टली इलास्टिक कलिजन में स्पेसिफिकली कंजर्व रहता है वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल और वॉल के अंदर जो कलिजन है, इधर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा। यानी कि ऑप्शन सी, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।